टेरिस की तरह दाढ़ी बढ़ा रखी थी हमने, हम सीख रहे थे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कैसे करते हैं, फिर उसके बाद वो कैसे कुर्ते पजामे पहनते हैं। तो वहाँ पे ना पहाड़ के ऊपर जैसे भेड़ बकरी वाले होते हैं, भेड़ बकरी चला रहे थे, तो हम भी उसके बीच में भेड़ बकरी चलाने वाले बन रखे थे। फिर वो टेररिस्ट आने शुरू हुए, जब वो हमसे कोई 500 मीटर दूर थे, हमने भेड़ बकरी वालों को नीचे भेज दिया। फिर उसके बाद हमने एम्बुश लगाया, उनको पता ही नहीं चला, वो आए, हमने कुल 16 गोलियाँ चलाई और साथ के साथ टेररिस्ट मरे। फिर उनको लाने में हमको कोई 3 दिन लगे वहाँ से, तो उसके लिए म्यूल्स होते ना, खच्चर के ऊपर हमने उनको बांधा। तो हमको तब पहली बार पता चला कि खच्चर को ह्यूमन ब्लड की स्मेल आती है, और जैसे ही उस खच्चर के ऊपर आप 100 किलो वजन रख लो तो फिर भी चलेगा, ह्यूमन बॉडी रखी तो खच्चर ना कूदना शुरू हो गया, वो लाने को तैयार ही नहीं था बॉडी को। फिर उसके बाद उसके मुँह पे वो लगाया गया एक कपड़ा खच्चर के मुँह पे ऐसे करके, और वहाँ पर होल करेगा ताकि उसको सांस भी ले सके। फिर उसको मतलब लोड कुछ और लगाया गया उसके ऊपर, फिर बॉडी लगाई गई। हमें 3 दिन लगे फिर लाने का, तो उनमें से 2 अफगानिस्तानी थे, 3 पाकिस्तानी थे और 2 लोकल जम्मू कश्मीर थे। आप कौन सी कॉलोनी के हो यहाँ पे रहने वाले? ओके, आप कौन सी कॉलोनी के हो? IIT से। आपस में दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट होता है, इसलिए वो दोनों मिलकर के इंडिया के अगेंस्ट आकर के, अफगानिस्तान के कुछ लोग, अफगानिस्तान तो खैर पूरा इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, पर उनके जो कुछ लोग हैं वो पाकिस्तानियों के साथ इंडिया के अगेंस्ट है, इसलिए मिल के आते हैं, इसलिए आपस में अटैक नहीं करते। आर्मी में मेरे को तो पढ़ाई बड़ी हार्ड लगती है यार। तुम्हारी एज का था ना, तो जब मेरे को भी ट्यूशन के लिए जाना पड़ता था तो मैं बहाना ढूंढता था कि आज क्यों ना जाऊं, तो बोल रहे हैं मजे आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तब उस टाइम पे मेरे को साइकिल चलाना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अगर मैं देखूं आज मैं साइकिल चलाऊं इस ट्रैफिक में तो बड़ा मुश्किल है। ट्रेनिंग धीरे धीरे कोई भी हो तो वो अच्छी लगती है। सर आपको कितना प्राउड फील होता होगा, मतलब आपने 7 टेररिस्ट मारे हैं, मेरे को प्राउड फील होता है कि तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग साहब, ऐसी कहानियाँ सुनने में अच्छा लगता है तुमको, इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी कहीं इंडिया के लिए फीलिंग है, चाहे तुम डॉक्टर बनो, चाहे साइंटिस्ट बनो, चाहे कुछ बनो। तो उसके लिए पता है सबसे बढ़िया टेस्ट कौन सा है, अपने को अगर इंडियन फील करना है तो 26 जनवरी को या 15 अगस्त को जो गाने आते हैं ना स्पेसिफिक, कौन से गाने आते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल, अगर ऐसे गाने सारे जहाँ से अच्छा देश वीर जवानों, ये गाने सुन के, ये है ना बाल, इनको बोलते हैं भूल बाल, इनको रोंगटे भी बोलते हैं, अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं ऐसे गाने सुन के, तो इसका मतलब हमारे अंदर कूट कूट के देशभक्ति बनी है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये सच बड़ी टेस्ट है अपनी, कोई बोले देशभक्ति के बारे में बताओ तो तुम बोलोगे मैं देश के लिए जान दे दूंगा, पता नहीं इसको सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर किसी के ये खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर देशभक्ति है ना। चलो ऑल द बेस्ट, अगली बार आऊंगा तब मिलूंगा। थैंक यू, बाय।